दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस भाद्रपद के महीने में जगह जगह जो है छड़ी का मेला लगा हुआ है। यहाँ छड़ी का जो मेला है गांव ढोटी में लगा है। यह ढोटी जो है जिला अमरोह में पड़ता है, लगभग धनोरा तहसील से 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर यह जो काफ़ी बड़ा गांव माना जाता है जिला अमरोहा का, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो हैं लोग आए हुए हैं, जो कि दंगल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ है, मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा, आपकी पूरी वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ को आपको दिखा दूँ कि किस तरह का दंगल यहाँ पर चल रहा है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। देखिए काफ़ी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अर्जुन है। अर्जुन आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। देखिए बिजनौर से देखने के लिए यहाँ आए जी। अच्छा, तो यहाँ जो मेला लगता है क्या जानते हैं इसके बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा जी। तो आया पहले भी आए? हाँ जी पहले भी आए। अच्छा, देखिए इधर भी और बात करेंगे, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है दंगल चल रहा है, तो दंगल के जो आयोजक हैं ग्राम ढोटी के प्रधान जी हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उधम सिंह। तो प्रधान जी ये बताइए, ये जो आपके गाँव में दंगल चल रहा है, छड़ी मेला चल रहा है, इसके बारे में बताइए, ये कैसे कैसे कब कब चलता है? ये लगभग हमें तो ज्ञान नहीं है, काफ़ी समय से जी, मतलब हमें तो कुछ जानकारी नहीं, इन्हें भी जानकारी नहीं कितने टाइम पूर्व से यहाँ छड़ी मेला गोगा जारवी बाबा का छड़ी मेला लगता है। उसी के उपलक्ष में यहाँ भाईचारे के मतलब भाईचारा कायम रखने के लिए ये दंगल का मेला दंगल कराया जाता है हमारे यहाँ। हर बार 3 दिन का दंगल रहता है, 3 दिन का ही मेला रहता है। अच्छा, तो यहाँ तो काफ़ी दूर दूर से पहलवान और देखने के लिए लोग आते रहते हैं? इस बार तो कम आए हैं, वरना हरियाणा और पंजाब तुम्हारा उत्तराखंड सब जगह से पहलवान आते हैं। और आज तक इस जंगल के अंदर कभी ना कोई झगड़ा ना कोई राड़, बहुत प्यार के साथ सब अपना दंगल पूरा करके सब अपने घर के लिए जाते हैं। ठीक है, आप तो काफी बुजुर्ग आदमी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करण सिंह। अच्छा जी, आप बताइए, जैसा मेला काफी समय से देखते आ रहे होंगे आप, तो ये हमारे बुजुर्ग बताते थे जी। जब हमारे बुजुर्ग थे वो भी बताते थे कि हमसे भी उनसे भी सैकड़ों साल पहले से मेला चलता आ रहा है गोगा जी महाराज जी का। ये छड़ी लगती है हमारे यहाँ, और यहाँ दंगल भी, हम भी बूढ़े हो चुके हैं, हमारे सामने दंगल लगता चला आया है, और कई साल से मैं भी दंगल लड़ा रहा हूँ यहाँ। आज तक कोई भी दंगा फसाद कुछ नहीं, बड़े बड़े दूर के हरियाणा पंजाब मेरठ दिल्ली मुजफ्फरनगर शास्त्री नगर गाजियाबाद बहुत बहुत दूर के पहलवान आते हैं यहाँ। लेडीज़ पहलवान भी कुश्ती होती है, सारे व्यवस्था यहाँ पर सही रहती है, हमारी सब मदद करता है, पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद करते हैं, गांव वाले भी मदद करते हैं, और सारा क्षेत्र के पहलवान यहाँ आते हैं। तो ये ढोटी के बारे में बताइए कितना बड़ा है ये ढोटी? तो साहब बहुत बड़ा गांव है, ये अमरोहा में नंबर एक का गांव है, नंबर एक पर ढोटी है हमारा गांव। अच्छा अच्छा, और बहुत जनसंख्या है, वोटर भी काफ़ी हैं। कितने वोट होंगे लगभग ये यहाँ पर? काम करीबन 4200 वोट होंगे यहाँ पर, करीबन 4200 वोट यहाँ पर होंगे। देखिए जो खेल के यहाँ जो आयोजक है उन्होंने बताया लगभग जो है 5000 के आसपास यहाँ पर वोट है, तो पहलवान है। क्या आप यहाँ पर कुश्ती लड़ रहे हैं? हाँ जी, मैं पहली बार इस दंगल में आया हूँ। एक भी समझ हुआ? हाँ जी हाँ। और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, यहाँ की जनता बहुत प्यार कर रही है, मेरे कुश्ती जीतने के बाद भी अच्छा। मुझे जनता ने बहुत सपोर्ट किया। तो कहाँ से आए हैं आप? जी मैं सैसोली से, हसनपुर के पास में। हसनपुर से लड़ने के लिए आए जी। तो काफी दंगलों में आप जाते हैं? बहुत बहुत दूर, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। जी मैं सैसोली से आ रहा हूँ, मैंने और जहाँ पे 2 कुश्ती मारी है जी, और जहाँ की जनता बहुत अच्छी है, पैसे भी अच्छा दे रही है, और वैसे भी पहलवानों की केयर कर रही है, बहुत प्यार कर रही है यहाँ की जनता, बहुत अच्छी जनता। आप दंगल स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल मत रोकिए, मैं आपको बिल्कुल भी दंगल रोकने के लिए नहीं कहूँगा। यहाँ पर जो है मैं आपको जो है दिखाता चला जाऊँगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए कितना लोगों में एक जुनून है इस कुश्ती के प्रति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है दर्शक मौजूद हैं, और जो है कुश्ती का जो है वो आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों आप जो हैं बिल्कुल देखते रहें। बच्चों के लिए देखिए घुमाने के लिए एक रिमोट की गाड़ी भी यहाँ पर मेले में लगा दी गई है, और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर जो है मेले का पूरा आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि गांव का मेला है और काफ़ी
मेला बहुत बढ़िया है, मेले में बहुत बढ़िया मेला चल रहा है इस टाइम। मेला ये तो मेला सैकड़ों साल से चल रहा है, सैकड़ों साल से मेला चलता है। हाँ तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।